दोस्तों, आज मैं आपको बैठका बनाना सिखा रही हूँ। कलीदार बैठका, इसमें मैंने 25 फंदे डाले हैं और इसमें पहला फंदा उतार लेंगे और आगे करके पूरी सिलाई उल्टी बीन लेंगे। इस तरह से सलाई आप पूरी निकालेंगे, फिर उसे पलट के घुमा के वापस ले जाएंगे। इस तरह से आप पूरी सलाई बिनने के बाद में फिर वापस घुमा के पूरी सलाई इस तरह से उल्टी बिन लेंगे। एक सलाई सीधी, एक उल्टी सलाई पूरा बेल लेंगे। इस तरह से आप एक सलाई बेल लेंगे, फिर आके इस फंदे को आप हर बार उतार लेंगे। अब इस पे दूसरा कलर लगाना, इस पे दूसरा कलर कली बनाने के लिए लगाना है। वैसे मैंने अलग अलग कलर की कली बनाई है, आप जैसे चाहे वैसे बना लें। इस तरह से बीन लेंगे, जैसे पूरी सलाई ऐसे बीन लेंगे और इस फंदे को यूं ही छोड़ देंगे। ऐसे पूरी सलाई उल्टी बीन, अब लास्ट में ये दो फंदे छोड़ देंगे और ऐसे घुमा के फिर बीन लेंगे। ऐसे ही दो फंदे छोड़ के फिर पूरी सलाई उल्टी उल्टी बीन लेंगे। बहुत सुंदर डोर ये आपका बैठका बनेगा। आपने इस तरफ दो फंदे छोड़े, आप ये इसको छोड़ के आप दो फंदे इस तरफ छोड़ देंगे, फिर पलट के इस तरह से आप दो फंदे इस फंदे छोड़ के दो फंदे आप छोड़ के फिर उल्टी साइड में आएंगे और इसी तरह से आप अगली बार इधर से दो फंदे हर बार घटाती हुई बीनती जाएंगी। हर बार दो फंदे छोड़ते हुए बीन देंगे, इधर से दो फंदे बीन देंगे। इस तरह से बीन देंगे। उस बार मैंने दो फंदे छोड़े थे, अब ये दो फंदे छोड़ दूंगी और इस तरह से आप
हर बार दो फंदे छोड़ते छोड़ते बीन लेंगी, और जब दो फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको आगे बताती हूँ। दो फंदे छोड़ देंगे इस साइड, और अब जब लास्ट में दो फंदे बचेंगे, इस तरह से बन जाएगा। लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो दो फंदे बीन के फिर ऐसे ये दो, अब दो फंदे बीन लेंगे, दो इस तरफ से जो छोड़े थे, अब ये दो इस तरफ का फंदा लेके फिर ऐसे घुमा लेंगे और अब ये दो फंदे इस तरफ से दोनों तरफ से दो दो फंदे बीन लेंगे, फिर ऐसे घुमा लिया, अब ये दो फंदे फिर से बीन लेंगे इस तरह से। पूरी सलाई जो आप छोड़ते गए थे दो दो फंदे, वो दो दो फंदे उठा लेंगे दोनों तरफ से, इस तरह आखिरी तक बुन लें, फिर इस तरह बन जाएगा। फिर अब ये फंदा उतार के ऐसे घुमा के पूरा उल्टी सलाई पूरी आखिरी तक फिर से बना लें। ये दो रेड फंदे छोड़े थे, अब ये पूरा बीन लेंगे, अब ये रेड से एक पूरी लाइन बीन ली, अब फिर वापस बीनते हुए जाएंगे एक लाइन। इस तरह से ये एक कली बन गई, से बिन के यहां तक लाएंगे, इस तरह से पूरा बिन लेंगे। अब हम इस बन जाने इस तरह से बन गई। अब इसमें हमने 25 फंदे डाले थे, इस फंदे को हटा के इस फंदे के आधे कर देंगे, 24 के 12 फंदे इस फंदे को छोड़ के ये किनारे वाला इसको ऐसे उतार देंगे। अब हम 12 फंदे बीन लेंगे, उस 24 आधे हमने 12 फंदे बीन लिए, फिर यहां से हम वापस जाएंगे।
12 फंदे बिन के वापस आए। अब हर बार हम दो फंदे छोड़ेंगे, उस बार 12 बिने थे, अब 10 बिनेंगे। इस तरह से बिनते बिनते दो फंदे तक आ जाएंगे पूरे। ये वाला फंदा उतार लेंगे। हर बार आप दो दो छोड़ते हुए आएंगे। पहले शुरू में मैंने 12 बीने, दो छोड़े, फिर 10, फिर 8। इस तरह से आप कम करते करते यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, 3 बचेंगे। 3 को आप इस तरह से बीन लो। आपने हर बार फंदे छोड़े, अब ये ऐसे, और ये फंदा हर बार उतार के ऐसे घुमा के लेना है। आप लास्ट में आप ये दो बीनेंगे, फिर वापस। अब जिस तरह से आप दो कम करते जाए हैं, इस बार हमने दो बीने, अब हम 4 बीनेंगे। दो, 4 बीनेंगे। हर बार बिनते बिनते यहाँ 12 फंदे बीने तक आएंगे। इस बार हमने 4 बीने, फिर वापस जाएंगे, फिर आके ये 6 लेंगे, 8, 10, फिर 12, यहाँ तक बीनेंगे। ये मैंने यहाँ तक बीन लिए, ये 12 फंदे बीन लिए। अब हम वापस फिर जाएंगे। इस तरह से बीन लिए हमने 12, उस बार हमने 12 बीने थे, अब उसके 12 के आधे 6 बीनेंगे यहाँ तक, फिर वापस इस तरह से घुमा के फंदा। हर बार 6 फंदे हमें बीनना है, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बीन के फिर से घुमा के फिर वापस। छह भी नहीं थे, दो छोड़े, अब ये हमारे 4 फंदे बने, फिर वापस जाएंगे 4 से, फिर ऐसे लास्ट तक बीन लेंगे। ठीक है, ये हमने 6 फंदे बीने थे, दो छोड़े, फिर दो, फिर ये लास्ट में, अब हम लास्ट में बीन लेंगे। इस तरह से हम दो छोटे छोटे इन तक आए थे, उसी तरह हम दो उठाते हुए आएंगे। ये दो भी नहीं, इस तरह ये, अब ये दो फंदे बीन लेंगे, फिर वापस। अब ये बीन लिए, ये मेरे 6 फंदे हो गए, अब हम वापस जाएंगे। इस तरह से ये हमारी
ये हमारी एक कली तैयार हो गई। अब हम इसमें ये हमारी एक कली तैयार हो गई। अब इसमें हम दूसरी कली बनाएंगे और दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम इसमें दूसरी कली लगा के दूसरा कलर बनाएंगे। और ये कलर पूरा यहाँ तक ये दो फंदे छोड़ के ही बिनेंगे पूरा। और सेम इसी टाइप की जैसे ये कली बनाई सेम ऐसी ऊपर कली बनेगी। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।